नहीं, मैंने शब्द प्रयोग किया हम अयोध्या कुछ करेंगे संसद में कानून बनाने की मांग को लेकर, और इसके पहले 20 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर राम मंदिर के कानून पर और हिंदुओं के मांग पत्र पर हम लेंगे। बिल्कुल, हमने 4 साल धैर्य रखा और योगी जी के कहने से और 4 महीना, फिर तो योगी जी और मोदी जी कानून बनवा देंगे ना। राह देखते देखते हमारे गुरुजी महंत अवैधनाथ जी भी शांत हो गए और प्रयाग के अशोक जी सिंगल भी शांत हो गए। क्या यही धैर्य है? लोकसभा राज्यसभा साथ में बुलाकर कानून बनाने की इच्छा है क्या कि राम भी अब जुमला हो गया? संसद में कानून बनाओ वरना 2019 में हिंदू समाज आपको सजा करेगा। अब की बार हिंदुओं की सरकार, अब की बार हिंदू छात्र युवा किसान मजदूर पूर्व सैनिकों की सरकार, अर्थात छात्रों की मांग, युवाओं की मांग, किसान की मांग, मजदूरों की मांग, सभी हिंदुओं की मांग जो स्वीकार करे, जुमलाबाजी नहीं, भगवा जैकेट नहीं, राम मंदिर बनाओ। हमें राम का म्यूजियम नहीं, अयोध्या में राम मंदिर चाहिए। विकल्प मिल जाएगा, कोई यह अहंकार में न रहे कि हिंदू कहां जाएगा। हिंदुओं के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पर हिंदू समाज नहीं जीता है। राम मंदिर नहीं बनाती है वह हिंदुओं की सरकार नहीं है, और कश्मीर के हिंदुओं को बसाती नहीं है वो हिंदुओं की सरकार नहीं। विकल्प हिंदू समाज दे देगा, तीसरा विकल्प मिलेगा। राह देखो कुंभ प्रारंभ होने तक, यही त्रिवेणी के तट पर ही भगवान गणेश विकल्प देकर रहेंगे। हिंदू एकजुट था ही, विश्वासघात तो हमारे नेताओं ने किया, और एकजुट नहीं होता तो सरकार कहां से आती। इसलिए हिंदू समाज एकजुट था, रहा, जब शिवाजी जैसा नेतृत्व मिला तो विजय प्राप्त हुआ, और कोई जुमलाबाज मिला हिंदू अपमानित हुआ। अभी तो हिंदू वोट बैंक बनाकर भारत की राजनीति में हिंदुओं का सिक्का खड़ा करने की इच्छा है, तीसरा विकल्प भी उनमें से खड़ा हो सकता है। हिंदू समाज खड़ा करेगा, और इसके पीछे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया सैनिक बनकर खड़ा रहेगा। इंतजार कीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। कुंभ में क्या करने के ज्यादा? कुंभ में तो त्रिवेणी स्नान करके गंगा यमुना सरस्वती और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद लेने की योजना है। ये आशीर्वाद हिंदुओं के विजय के लिए चाहिए। ये आशीर्वाद अब छोड़ो सेक्युलर नहीं, छोड़ो हिंदू नहीं, अब तो हिंदू ही आगे का। तो क्या तुम कुंभ की धरती से ही नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं क्या? हिंदू ही आगे का संकल्प होगा ही, उनमें से कुछ भी निकल सकता है। क्या कुंभ की बात करें, बीजेपी और आरएसएस की जो बैठक हुई उसमें यह तय किया गया कि वो अपने कैंपेन को कुंभ से ही आगे ले जाएंगे और यहीं से वो हिंदू चुनावी संघनाद करेंगे। कुंभ सच्चे पक्के धर्मनिष्ठ लोगों को आशीर्वाद प्राप्त करने का है। जो सच्चे पक्के धर्मनिष्ठ होगा, दिया हुआ वचन पालन किया होगा, उनको आशीर्वाद मिलेगा, बाकी को दंड मिलेगा।